नमस्कार, वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशुति वोहरा। मध्य प्रदेश में वोटिंग हुए अब कई दिन बीत चुके हैं, अब परिणामों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि भले ही मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका हो, लेकिन अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव की खबरें लगातार जारी हैं। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की इस लड़ाई में आखिर कौन बाजी मारेगा, कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी प्रमुख दलों के बीच ये टकराव का माहौल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल खबर है कि सागर जिले की रहली विधानसभा में मतदान के बाद हुए विवाद का मामला अभी भी आग की तरह फैल रहा है। इस विवाद के बाद गोपाल भार्गव यानी भाजपा प्रत्याशी जो रहली से उतरे हैं, गोपाल भार्गव का एक बयान आया था जिस पर अब बवाल मच चुका है। रैली से उतरे कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल ने मीडिया के सामने आकर गोपाल भार्गव से पैर छूकर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए 3 दिनों का समय दिया है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने आमरण अनशन तक की चेतावनी गोपाल भार्गव को दे दी है। आपको बता दें कि यह मामला 18 नवंबर को शुरू हुआ था, जब रैली विधानसभा के गड़ाकोटा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी। साथ ही उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की खबर आई थी। जब यह विवाद हुआ तब ज्योति पटेल घटनास्थल पर मौजूद थी, जिसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से इस पूरी घटना का आरोप 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव पर लगा दिया। ज्योति पटेल के इन आरोपों पर गोपाल भार्गव ने आपत्ति जताई और कहा कि मतदान के बाद सभी प्रत्याशी अपने घर पर बैठकर समीक्षा करते हैं, फिर ये महिला प्रत्याशी अपने मित्रों के साथ गड़ाकोटा में क्या कर रही थी। फिलहाल अब रैली में ज्योति पटेल और गोपाल भार्गव के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब थमेगा, कब इस पर नियंत्रण लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी तरफ से इस वक्त के लिए आपके लिए इतना ही। अब आपका जो भी हो कहना हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।